हेलो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट टर्म इवेंट्स और लॉन्ग टर्म इवेंट्स। प्रोबो पर इवेंट्स को अगर टाइम वाइज कैटेगराइज किया जाए तो मोटी मोटी दो कैटेगरीज बन सकती है। फर्स्ट कैटेगरी में आप उन इवेंट्स को रख सकते हो जिनकी टाइमलाइन थोड़े कम समय की रहती है, आप इन्हें शॉर्ट टर्म इवेंट्स भी कह सकते हैं। जबकि दूसरी कैटेगरी में आप उन इवेंट्स को रख सकते हो जिनकी टाइमलाइन ज्यादा लंबा समय लेंगी और आप उनको लॉन्ग टर्म इवेंट्स भी कह सकते हो। इन दोनों तरह के इवेंट्स पर ट्रेड करने की स्ट्रेटेजीज अलग अलग रहती है और ट्रेड करने के बाद एग्जिट करने की स्ट्रेटेजी और ट्रेड को होल्ड करने की स्ट्रेटेजी दोनों टाइप्स के इवेंट्स की अलग अलग होती है। एक और शॉर्ट टर्म इवेंट्स में जितने क्विक प्रॉफिट्स बनते हैं उतना ही रिस्क भी ज्यादा रहता है। वहीं दूसरी ओर लॉन्ग टर्म इवेंट्स में प्रॉफिट स्लो होता है लेकिन कहीं ज्यादा रिलायबल होता है। शॉर्ट टर्म इवेंट्स ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करते हैं और लॉन्ग टर्म इवेंट्स इन्वेस्टिंग में आपकी हेल्प करते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इवेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।